इसी तरह नमक जो है ना, नमक वो भी कच्चा ज्यादा नुकसान देता है, पका हुआ बोलने कम नुकसान। ये जो कच्चा नमक है ना, इससे ब्लड प्रेशर का मसला खड़ा होता है। कच्चा नमक खाने में ऊपर से नमक डाल दिया। इसी तरह जो आटे में नमक डलता है, होता तो आटे में नमक के बराबर है वो, मगर चूंकि वो कच्चा रह जाता है, रोटी जब पकती है ना तो अंदर नमक नहीं पकता उसमें सही तरह। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग जब ये रोटी खाते हैं तो खाते ही उनका बीपी हाई, और फिर उल्टी उल्टी बातें फेंकना शुरू कर देते हैं। देखा होगा आपने, खाना खाते ही पड्डा हो गया घर में। तो उसका हल ये है, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, और जिन लोगों ने इस पे कंट्रोल किया उनके घर से ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो गई। तो उसका भी तरीका ये है कि या तो रोटी में नमक डाले ही नहीं, आटे में नमक ही ना डालें, जो डाल रहा है सालन में डाल दें, क्योंकि सालन वाला नमक पक जाता है, समझ रहे हैं ना। जब सालन में नमक डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है। तो पकने से उसके असरात कम हो जाते हैं। तो या तो रोटी में नमक डाले ही नहीं, और अगर नमक डाल रहे हैं तो वही तरीका कि जैसे चीनी का आपने शीरा तैयार कर लिया, तो नमक को भी पानी में डाल के अच्छी तरह बॉइल कर लें, खूब अच्छी तरह पकाएं उसको, और फिर वो शीरा यानी नमक का जो लिक्विड है वो आप बोतल में महफूज कर लें। क्या हो गया भाई, बहुत आपके फायदे की बात कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। और ये इनका चीजों का हमारे दीन और मजहब से भी ताल्लुक है। हमारे नबी ने सेहत की हिफाजत का हमें हुक्म दिया है, खास तौर पे ब्लड प्रेशर से सेहत खराब नहीं होती, ईमान भी खराब हो जाता है, घर भी खराब हो जाता है। जो बीवी के मरीज है ना, तलाकें भी अक्सर वही देते हैं, और बच्चों को भी उठा उठा के कूटते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। जब अब ब्लड प्रेशर के मरीज अब्बा घर आएंगे तो बच्चे कांपना शुरू कर देंगे। तो इसलिए नमक का ये तरीका, तो चीनी और नमक आपने क्या करना है, पका के रखें घर में, और इसका बड़ा फायदा भी है।